नमस्कार, जयवंत दास्तान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर पाली जिले के सोजत सिटी से है, जहां देश व समाज के उत्थान के लिए कलमकारों की महती भूमिका होती है। उक्त उद्गार पेंशनर भवन में शबनम साहित्य समिति द्वारा आयोजित ख्यातनाम साहित्यकार इकराम राजस्थानी की कृति अंजलि गीतारी पुस्तक चर्चा के दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पेंशनर समाज अध्यक्ष लालचंद मोयल ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि एक साहित्यकार ही श्रेष्ठ साहित्य का सृजन कर समाज को नई दिशा देता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार वीरेंद्र लखावत ने कहा कि किसी की कृति का हूँ बहु अनुवाद करना एक साहित्यकार के लिए चुनौती भरा कार्य होता है, और उस चुनौती को स्वीकार करते हुए इकराम राजस्थानी ने गीतांजलि का काव्य अनुवाद कर इस विद्या को सार्थक कर दिया। पुस्तक पर पत्र वाचन करते हुए वरिष्ठ साहित्यकार रामस्वरूप भट्टागर ने कहा कि गीतांजलि के मूल भावों को अनुवाद द्वारा विशुद्ध रूप से अनुदित कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि इकराम राजस्थानी ने अंजलि गीतारी का राजस्थानी में अनुवाद कर राजस्थानी भाषा का मान बढ़ाया है, जो काबिले तारीफ है। पुस्तक पर कवि कथाकार रसिद गोरी, फौजी अशोक सेन, महेंद्र माथुर, दिनेश सोलंकी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के आरंभ में संस्था संरक्षक सत्तू सिंह भाटी ने अतिथियों का उपहार पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम का सरस संचालन संस्था अध्यक्ष अब्दुल समद राही ने किया। आभार की रस्म फौजी अशोक सेन ने अदा की। कार्यक्रम में झूमन लाल गर्ग, जुगल किशोर दवे, यासीन खरादी, अनवर पठान, असलम कुरैशी, ईश्वर चंद पुरुषवानी, जगदीश पारासर, चंद्रशेखर व्यास आदि कई गणमान्य जन मौजूद रहे। सोजत सिटी से अब्दुल समद राही की विशेष रिपोर्ट।